वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 दिसंबर 2018 और 12 दिसंबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आखिर ये अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया क्यों जाता है। तो पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस बार यानी कि 2018 के अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है माउंटेन्स मैटर। क्या है? माउंटेन्स मैटर। तो इतना आपको अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के बारे में याद रखना है। अच्छा, फिर से इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे आपको एक एक करके रिवाइज करने हैं। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूं उसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए और उस सीक्वेंस में और उस फ्लो के साथ आपको तभी याद होंगे जब आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहोगे। मुझे कैसे याद है? मुझे भी इसलिए याद है क्योंकि मैं कंटिन्यू रिवाइज करता हूं। रिवाइज करने में आपको कभी भी थकना नहीं है। अच्छा, मैंने वैसे आपको दिसंबर के अभी तक के सारे इंपोर्टेंट डे बताए हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बताता हूं। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। दिसंबर का पहला इंपोर्टेंट डे कौन सा मनाया गया था? 1 दिसंबर। और 1 दिसंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड एड्स डे। इसी के साथ एक और इंपोर्टेंट डे मनाया गया था 1 दिसंबर को, वो था VSF स्थापना दिवस। तो 1 दिसंबर को ये दो इंपोर्टेंट डे मनाए गए थे। इसी तरह 2 दिसंबर को भी दो इंपोर्टेंट डे मनाए गए थे। एक था वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और दूसरा था नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। उसके बाद 3 दिसंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। उसके बाद 4 दिसंबर को मनाया गया था भारतीय नौसेना दिवस। और फिर 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? विश्व मृदा दिवस। और उसके बाद 7 दिसंबर को दो इंपोर्टेंट डे मनाए गए थे। एक था सशस्त्र सेना झंडा दिवस और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। उसके बाद 8 दिसंबर को मनाया गया था पनडुब्बी दिवस और 10 दिसंबर को क्या मनाया गया है? ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स डे आपको जरूर याद रखना है। और अब ये 11 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ आपको याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब आप कंटिन्यू रिवाइज करोगे। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां हुआ है? तो अभी हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है उड़ीसा में, यानी कि इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में हुआ है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये इसका 4th परीक्षण हुआ है। इससे पहले इसके 3 परीक्षण हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण व्हीलर द्वीप पर हुआ है। अब इसका ये 4th परीक्षण भी व्हीलर द्वीप पर हुआ है और व्हीलर द्वीप के बारे में आपको हमेशा बताता हूं कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप है कहां पे? तो ये उड़ीसा में है। अब अग्नि 5 मिसाइल से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस मिसाइल की रेंज क्या है। तो इस मिसाइल की रेंज है 5000 किलोमीटर। अब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है उड़ीसा में, तो आप मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। इतना आप उड़ीसा के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद म्यांमार की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए हैं तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि रामनाथ कोविंद हमारे कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब हमारे राष्ट्रपति गए हैं म्यांमार, तो आप मैप में देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो, म्यांमार की करेंसी है बर्मिस क्याट, म्यांमार का पहले नाम बर्मा था तो इसकी करेंसी क्या है, बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, विन मिंट। अच्छा, म्यांमार से एक और क्वेश्चन बनता है कि म्यांमार की स्टेट काउंसलर कौन है? तो म्यांमार की स्टेट काउंसलर है आंग सान सू की। इनसे अभी हाल ही में कनाडा की नागरिकता भी वापस ली गई है, रोहिंग्या मुसलमान वाले मुद्दे की वजह से इनसे कई अवार्ड वापस लिए गए हैं, साथ ही कनाडा की नागरिकता भी आंग सान सू की से वापस ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीएस में केंद्र के योगदान को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? तो अभी हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें केंद्र के योगदान को 14% तक बढ़ाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसका क्या मतलब है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें जो आपका मूल वेतन होता है उसका अभी तक 10% लिया जाता था और 10% केंद्र सरकार देती थी, तो अब इसको 10% की जगह 14% कर दिया गया है। आपके मूल वेतन का 14% प्लस उतना ही 14% केंद्र सरकार आपको देगी, तो ये इसमें बढ़ोतरी की गई है नेशनल पेंशन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया डे का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडिया डे का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है इंडिया डे का। अब ये है क्या, तो सरकार के प्रजनन मातृत्व नवजात शिशु बाल और किशोर स्वास्थ्य मंत्रालय के जो कार्यक्रम है उन पर प्रकाश डालने के लिए ये इंडिया डे कार्यक्रम है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुसिरुल हसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मुसिरुल हसन एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मुसिरुल हसन और ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका अभी हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, इसीलिए इनका नाम आपके लिए इंपोर्टेंट है। 2007 में इन्हें पद्मश्री मिला था और अभी 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनकी एक फेमस बुक है, उससे भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो बुक का नाम मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इनकी फेमस बुक है इंडिया पार्टीशन द अदर फेस ऑफ फ्रीडम। क्या है, इंडिया पार्टीशन द अदर फेस ऑफ फ्रीडम, ये मुसिरुल हसन की एक फेमस बुक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAF द्वारा क्रॉसबो 2018 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा क्रॉसबो 2018 अभ्यास आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्रॉसबो 2018 अभ्यास आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है और IAF द्वारा आयोजित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेजेंट टाइम पे IAF के चीफ कौन है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं BS धनुआ और ये अभ्यास क्रॉसबो 2018 आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, ESL नरसिम्हा। अच्छा, आंध्र प्रदेश का जब भी नाम आया है मैंने आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बताया है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला इंडिया का पहला राज्य है, ये आप जरूर याद रखिए। और जब भी आंध्र प्रदेश का नाम आए तुरंत आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्टर सुपर नेशनल 2018 खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में प्रत्वेश मोंगलिंकर ने मिस्टर सुपर नेशनल 2018 खिताब जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है प्रत्वेश मोंगलिंकर, क्या नाम है इनका, प्रत्वेश मोंगलिंकर, ये गोवा के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में पोलैंड में मिस्टर सुपर नेशनल 2018 खिताब जीता है।
तो इनका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के अभी हाल ही में नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं शक्तिकांत दास, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है शक्तिकांत दास और इनको अब आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। अब इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं, ये आपको याद रखना है, और 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा और ये जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम आर्थिक मामलों के सचिव थे और अब ये हमारे आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं। एक्चुअल में अभी तक आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, उन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया और अपने पर्सनल रीजन को बताते हुए रिजाइन किया है। एक्चुअल में रीजन क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर प्रेशर बना रही थी क्योंकि आरबीआई के पास जो रिजर्व में पैसा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहती थी और उर्जित आर पटेल ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि अगर वो रिजर्व वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके बाद सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उर्जित आर पटेल पे हो जाती। इसीलिए उर्जित आर पटेल ने आरबीआई के गवर्नर के पद से रिजाइन कर दिया और अब आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं शक्तिकांत दास। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं। अच्छा, ये आरबीआई के गवर्नर बने हैं तो आरबीआई के बारे में आपको बताता हूँ, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, और आरबीआई के अब नए गवर्नर 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ जापान की 5 दिन की सद्भावना यात्रा पर गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया और जापान की एयरफोर्स के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए इनकी ये 5 दिन की सद्भावना यात्रा है। अब ये जापान गए हैं तो आप फिर मैप में देखिए, ये है जापान, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो आबे। अच्छा, जापान की संसद का नाम भी पूछा जाता है, तो जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैंड इन हैंड 2018 अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में हैंड इन हैंड 2018 एक्सरसाइज चाइना के चेंगदू में आयोजित की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जब इसकी घोषणा हुई थी तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में है और इस बार ये चाइना में चेंगदू जगह पर हुई है। अब ये इंडिया और चाइना के बीच में है तो मैं आपको चाइना के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आप मैप में देखिए, ये है चाइना, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, चाइना की करेंसी क्या है, रेन मिनबी। अच्छा, कन्फ्यूज मत होना, रेन मिनबी और युआन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप याद रखना चाइना की करेंसी ऑफिशियल करेंसी रेन मिनबी है और चाइना की करेंसी को कौन जारी करता है, चाइना की ऑफिशियल करेंसी रेन मिनबी को पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जारी करता है। चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ $31 मिलियन का रेड समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने तमिलनाडु के लिए एडीबी के साथ $31 मिलियन का रेड समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राज्य पर्यटन उद्योग के निर्माण के लिए इंडिया ने तमिलनाडु के लिए एडीबी के साथ $31 मिलियन का रेट समझौता किया है। अच्छा, ये तमिलनाडु के लिए हुआ है समझौता, तो आप मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, एडापड्डी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अब ये समझौता हुआ है एडीबी के साथ, तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना कब हुई थी, 1966 में और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में और मनीला कहाँ पे है, फिलीपींस में और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, ताकेहिको नकाओ। तो इतना आप एडीबी के बारे में भी याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सैन्य साहित्य समारोह कहाँ शुरू हुआ है, तो अभी हाल ही में सैन्य साहित्य समारोह शुरू हुआ है चंडीगढ़ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।